Namaskaram. So in this video, I'm going to share my Angamadna experience. मुझे अंगमर्दना करते हुए एक हफ्ता हुआ है और मैंने इसके बारे में बहुत बहुत सुना था, मैंने बहुत पढ़ा भी था. हर कोई कहता था बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, इंटेंसिव वर्कआउट होता है, बिना टीचर के तो करना ही नहीं चाहिए, ऑनलाइन देख के तो बिल्कुल भी मत करो. और मुझे पता था क्या है इतना ज़्यादा इसमें. सो फाइनली मैंने ट्राई किया, झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने ऑनलाइन ट्राई किया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं हुआ. मुझे लगा कि शायद मुझे प्रैक्टिस नहीं है या होंगी तीन चार चीज़ें जो समझ नहीं आ रही है, तो लेट्स गो फॉर अ वर्कशॉप. सो फाइनली आई अटेंडेड अ वर्कशॉप एंड विद इन 15 मिनट्स मुझे पता चल गया कि बिना टीचर के क्यों नहीं करना चाहिए और ऑनलाइन तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए. इसका आंसर मुझे विद इन 15 मिनट्स मिल गया. अंगमर्दना इज़ बेसिकली अ सीरीज ऑफ 31 पोस्चर्स. इट्स अ सीरीज ऑफ वर्कआउट एंड जिसमें स्टैंडिंग, सिटिंग, स्क्वाटिंग, लाइंग, हर तरह के पोस्चर्स होते हैं. और इनिशियली जो वर्कशॉप्स थे हमारे वो रेगुलरली फॉर 4 डे वर्कशॉप था और 2.5 आवर्स का था और देर वर टू गाइडेड यू नो अंगमर्दना सेशंस. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट 1 आवर के बाद आई वॉज लाइक कि ये 2.5 घंटे अभी तक हुए क्यों नहीं है. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2.5 महीने बीत गए हैं बिकॉज माई बॉडी वॉज नॉट यूज टू यू नो यूज टू फॉर सच वर्कआउट्स. बट इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस क्योंकि जैसे ही मैं घर आती थी मुझे इतना बॉडी पेन होता था एंड आई यूज टू फील सो लेथार्जिक. मैं सो जाती थी बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड होती थी. सुबह 6 बजे पहुँचो, फिर 8:30 बजे तक वापस आओ और मैं इंटायर डे वॉज लिटिल स्लीपी. दिस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 6 डेज, लाइक आईड से 1 वीक. बट देर वॉज अ डिटर्मिनेशन. मुझे जो हमें सिखा रहे थे दैट ट्रेनर, उन्होंने एक चीज़ कही कि अगर आप रेगुलरली 40 डेज तक करोगे, बिकॉज 40 डेज इज इक्वल टू 1 मंडला, इफ यू विल डू इट यू विल स्टार्ट फीलिंग चेंजेस इन यू. सो आई टुक इट एज अ चैलेंज कि लेट मी डू दिस, आई डू दिस. एंड इनिशियली हमें लगने को ऑलमोस्ट 1 आवर 15 मिनट्स लगते थे ये कंप्लीट करने में, बिकॉज आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना होता है, इतने सारे स्टेप्स होते हैं, आपको नहीं याद रहते. एंड बट बाय द टाइम यू डू रेगुलरली ग्रेजुअली आपको वो स्टेप्स याद हो जाते हैं एंड आपका पेस धीरे 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 बनता है. द आइडिया इज़ नॉट टू कम्प्लीट इन 30 मिनट्स. द आइडिया इज़ टू हैव अ करेक्ट पॉस्चर, टू सिंक योर ब्रीदिंग विद योर पॉस्चर्स, विद योर बॉडी, एंड दैट कम्स ग्रेजुअली. तो अगर आप वर्कशॉप अटेंड करके आए हो या आपने कोई वीडियो देखा है और आपको लगता है कि बस अभी हो जाएगा, तो प्लीज़ ऐसा नहीं होगा. इट टेक्स टाइम, लॉट ऑफ टाइम. सो नाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 डेज दैट आई एम डूइंग अंगमर्दना एंड ये 10 दिन आई कैन से दैट इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ. The reason, the first was, I can say, the physical changes that I have lost a little bit of weight, which I really wanted. And now my shoulders are straight. Pehle thode se bent the, now my shoulders are straight. And I am more active now. Ab main jab aati hu angmardna karke to main soti nahi hu. To mera pura din bahut zyada energetic rehta hai. Now I complete अंगमर्दना विदिन 40 to 45 मिनट्स. बट आई मेक श्योर कि मैं स्पीड पे कम और अपने पॉस्चर्स और अपनी ब्रीदिंग पे ज़्यादा ध्यान दूँ. नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट दैट इज़ हाउ अंगमर्दना ट्रांसफॉर्म्स यू स्पिरिचुअली, मेंटली. व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग अंगमर्दना
आई डिडेंट न्यू कि ये इतना ज़्यादा आपके माइंड को अफेक्ट करता है। मुझे था कि क्योंकि ये एक योगा का पार्ट है, तो जिस तरह से सब योगा वाली चीज़ें कि हर तरह की योगा आपके मेंटल वेलबींग को सपोर्ट करती है, आपका स्पिरिचुअली आपको थोड़ा एक्टिव करती है, तो मुझे लगा ये भी एक उसी का ही पार्ट होगा। लेकिन हाँ, ये फिज़िकली थोड़ा इंटेंसिव हो सकता है, बट आई वॉज रॉन्ग। दैट 45 मिनट्स विच आई स्पेंड विद माई सेल्फ इन द मॉर्निंग चेंजेस माई एंटायर डे। आई एम एंटायरली पॉजिटिव थ्रू आउट माई डे, नो मैटर वट हैपन्स। आई एम एनर्जेटिक, एक्टिव, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन विच आई हैव नाउ इज कि हम अपनी बॉडी को एक्सप्लोर ही नहीं करते। जो मैंने अंगमर्दना में सीखा है, आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी है, इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल फोर्स है कि आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, कुछ भी। मतलब यू जस्ट नीड टू बी फोकस्ड, यू जस्ट नीड टू गिव एवरीथिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट डिज़ायर, एंड यू कैन टच द स्काई। लेकिन हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं, हम इतनी तरह से सोच सकते हैं, हम इतनी सारी यूनिवर्स के इतने सारी चीज़ें हैं जिससे हम खुद को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम वो कभी नहीं कर पाते। अंगमर्दना करने के बाद यू नीड टू मेडिटेट। देर इज़ अ टाइम व्हेन यू हैव टू डू ध्यान, एंड आफ्टर डूइंग दिस इंटेंसिव वर्कआउट, आई वुड से व्हेन यू आर सिटिंग विद योर बॉडी आफ्टर रिलैक्सेशन, आफ्टर डूइंग शवासन, जब आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत रिलैक्स्ड है, कुछ थकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसके बाद जब आप ध्यान में बैठोगे तो आपको लगेगा कि दिस इज़ द मोस्ट पीसफुल थिंग एवर हैपन टू यू, एवर एवर हैपन टू यू। अंगमर्दना आपको जितना फिजिकली सपोर्ट करता है, उतना ही आपको मेंटली एंड स्पिरिचुअली भी सपोर्ट करता है। यू विल बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन इफ़ यू विल एक्चुअली डू इट आफ्टर 40 डेज। एंड आई कॉन्ट बिलीव कि मैं 40 डेज के बाद क्या एक्सपीरियंस शेयर करूँ। आई हैव नो आइडिया, दिस इज़ जस्ट माई 10 डेज ऑफ एक्सपीरियंस। वन थिंग विच आई वुड माई सेल्फ से कि प्लीज़ इसको बिना ईशा फाउंडेशन के ट्रेनर के बिना कभी मत करना, बिकॉज दिस फोकसेस मोस्ट ऑन योर स्पाइन। अगर आप अपनी स्पाइन को ख़राब नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ इसको खुद मत करना, बिकॉज इसमें जितने पॉस्चर्स होते हैं आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना होता है, और अगर आप अपनी लिमिट से ज़्यादा उसको स्ट्रेच कर दोगे सो इट माइट हैपन कि आपको कोई इंजरी हो जाए। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। अनदर थिंग कि दे हैव अ वेरी डिफरेंट ब्रीदिंग पैटर्न। जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो, आप डिफरेंट पॉस्चर्स में हो, सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट ब्रीदिंग पैटर्न्स, सो दैट यू कीप ऑक्सीजन इन योर बॉडी। सो आप, क्योंकि ये इतना फास्ट होता है कि आप कभी कभी ब्रीदिंग मिस कर देते हो। मैं कर देती थी, बट नाउ आई रियलाइज कि नहीं, देर इज़ अ सर्टेन वे ऑफ ब्रीदिंग एज वेल। सो प्लीज़ डोंट ट्राई इट। आप गाइडेंस ले सकते हो, मैंने गाइडेंस भी ली थी, ट्राई भी किया था, बट मैंने गाइडेंस भी ली थी। आप ईशा फाउंडेशन की वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, आप सदयोग.com पे जा सकते हो, यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर, यू कैन लर्न व्हाट अंगमर्दना इज़ ऑल अबाउट। एंड प्लीज़ ज़रूर 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 ट्राई करना, कंटिन्यू करना आई वुड से, बट अगर आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, बट स्टिल अंगमर्दना एक्सपीरियंस ज़रूर करना, इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। येस इट इज़ डिफ़िकल्ट, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आसान है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इनिशियली, इट इज़ गोन बी वेरी वेरी हार्ड,
बट ग्रेजुअली इट विल बी द वन थिंग दैट यू विल नेवर वॉन्ट टू मिस इन द मॉर्निंग. सो प्लीज डू दिस एंड दिस वॉज माई एक्सपीरियंस एंड आई होप टू बी विद यू आफ्टर कंप्लीटिंग माई वन मंडला दैट इज द 40 days. सो आई होप टू शेयर मोर पॉजिटिविटी विद यू. नमस्कार.